ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आपकी राशि के जातकों का लकी नंबर कौन सा है, लकी रत्न कौन सा है और लकी नंबर से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। हर एक जातक का कोई ना कोई लकी नंबर होता है और लकी नंबर अगर आपको पता है और लकी नंबर के प्रयोग करने से आप अपने जीवन में अपने ग्रहों से संबंधित सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सकारात्मक वे में बदल सकते हैं। तो आपको अपना लकी नंबर पता होना अनिवार्य है। बहुत सारे जातकों को लकी नंबर नहीं पता है, बहुत सारे जातकों को लकी नंबर पता है, लेकिन कुछ तरीके और जो आपकी राशि के जातकों का लकी नंबर है हम आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, अगर आप कोई तनाव में है, कोई प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है, तो एक बार ज़रूर बात करें, शायद आपकी एक समस्या का एक सकारात्मक समाधान आपको ज़रूर मिले। दोस्तों, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका लकी नंबर जो अभी तक आप मानते आए हैं वो कौन सा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखना। इसके कुछ तीन मेथड हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा और उसके बाद आपको लकी नंबर बताऊंगा। सबसे पहला मेथड है कि आपका जो जन्म डेट है, मान लीजिए आपका जन्म एक तारीख हुआ तो आपका लकी नंबर एक हुआ, आपका अगर 12 हुआ तो भी एक हुआ, तो जो हमारे दो डिजिट में अगर जिसका जन्म तारीख आ रहा है तो उन दोनों का जो योग होगा वो योग उसका लकी नंबर होगा। अगर मान लीजिए किसी के 10 तारीख को होगा तो उसका लकी नंबर एक होगा। तो इस मेथड से बहुत सारे लोग अपना लकी नंबर को फॉलो करते हैं। क्या आप भी इसी तरह से फॉलो करते हैं तो आप भी रुक जाइएगा, क्योंकि कमेंट्स में आप लिखिएगा कि इस तरह से आपका लकी नंबर कौन सा होता है। दूसरा मेथड होता है कि वो बचपन से किसी एक नंबर की तरफ अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन में वो उसे फॉलो करते हैं तो वो भी उनका लकी नंबर वो प्रेषित कर लेते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण होता है, कई सारे जातकों का पारिवारिक लकी नंबर होता है, जैसे पिता का जो लकी नंबर है वही पुत्र का, दादा से, तो वो पीढ़ियों दर पीढ़ी उस लकी नंबर को फॉलो करते हैं। तो ये तीन आम तौर पर बहुत सारे जातक फॉलो करते हैं। और हाँ, एक और मेथड है कि बहुत सारे जातक तिथि को भी अपना लकी नंबर, जैसे आप तीज के दिन पैदा हुए हो, चतुर्थी के दिन पैदा हुए, तो चार नंबर को लकी नंबर वो मानते हैं। तो ये एक मेथड है, लेकिन ओरिजिनल में आपका लकी नंबर क्या है आपको तो ये जानना है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आप फॉलो कर रहे हैं उसे लकी नंबर आप मान सकते हैं, क्योंकि वो आप अब मान चुके हैं। लेकिन अगर नहीं मान चुके हैं तो आपका लकी नंबर जो है वो 7 नंबर है। तो आप बताएं कमेंट्स में कि किस किस जातक का लकी नंबर 7 है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना।